ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। घर के दरवाजे पर यह तीन वस्तुएं अवश्य रूप से हमें रखना चाहिए। इन वस्तुओं को रखने से घर में कभी भी रोग शोक, किसी भी व्यक्ति को धन की हानि और किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा से हमारे घर में आगमन से बचा सकते हैं। ये तीन वस्तुएं जिन भी जातकों ने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखी हैं, उनके जीवन में हमेशा सकारात्मक बदलाव हुआ है। बहुत दिनों से जो परेशान चल रहे हैं, जिनके कार्यों में नहीं बन पा रहे, और ये तीन वस्तुएं अपने व्यापार की जगह पर भी आप रख सकते हैं। अब ये कौन सी तीन वस्तुएं हैं जो आपको अपने व्यापार या घर की जगह पर रखना है, विस्तार से जुड़े में आप समझेंगे। कुछ सावधानियाँ वो भी आपको रखना है, कुछ चेतावनियाँ वो भी आपको समझना है, और मूल रूप से कैसे रखना है यह भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखे जय शिव शंभु, हर हर महादेव, सबसे पहले भोलेनाथ का नाम आप इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आपको लिखना है। दोस्तों, दूसरा है, अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप आएँ, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहली वस्तु जो आपको मुख्य दरवाजे पर रखना है, एक लाल कपड़ा लें। लाल कपड़े के ऊपर नारियल रखें और उस लाल कपड़े में बंधे हुए नारियल को भगवान शिव को अर्पित करें और वहाँ से वापस लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना है। हर शिवरात्रि पर ऐसा कर सकते हैं, किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। 365 दिन में उसी दिन आपको वापस बदलना है। दूसरा है, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर अपने मुख्य दरवाजे पर अवश्य रूप से लगाना है। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और शनि के जितने सारे प्रभाव है आप उनसे भी बच जाते हैं। तीसरा प्रयोग आपको करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गणेश जी की प्रतिमा साइड अपोजिट साइड और साइड दोनों साइड लगाना है, जिससे घर में दरिद्रता नहीं आती। नमस्कार।